हंसराम गुर्जर ग्राम पंचायत कमालपुरा से। मेरे घर परिवार के किसी सदस्य का जॉब कार्ड नहीं है। सन 2017 से मैं एलडीसी साहब सेक्रेटरी साहब के पास अटल सेवा केंद्र आता हूं तो कई बार बहाना बना देते हैं, साइड नहीं चल रही है, बाद में आना, ये नहीं है, ऊपर से स्कीम बंद है, बार बार बहाना बना के टाल देते हैं। फिर मैं महीने बार फिर आता हूँ तो फिर भी यही बहाना बनाते हैं, जॉब कार्ड अब बन नहीं बन पाएगा, आप 6 महीने बाद आना। मेरे को 3 साल हो चुके हैं सर। शौचालय था, सन 2015 में मेरा शौचालय का कार्ड पूर्ण हो गया था, जिसके मैंने डॉक्यूमेंट्स इनको 3 बार दे चुके हूँ। उसके बाद में इन्होंने सारी फाइल के डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, ये हो गया है, वो हो गया है, ऊपर से बंद है, आपको शौचालय के पैसे नहीं मिल पाएंगे, अगली साल देखना। फिर मैंने दोबारा जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पर मैंने हस्ताक्षर साइन और जो भी कार्रवाई करवाई है उनको अब जमा नहीं करते हैं। अब तो ये स्कीम बंद है, आपको ये पैसे नहीं मिल पाएंगे, बार बार गुमराह कर देते हैं। सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं आप? सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं बिल्कुल अब नहीं मिल पाएंगे, आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने घर रखो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, सिर पे फेंक देते हैं बार बार यहाँ से, बिल्कुल अभद्र व्यवहार करते हैं। मैं ग्राम पंचायत कमालपुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये जॉब कार्ड है जिसकी जॉब कार्ड संख्या 955 है। इस जॉब कार्ड पर मैंने कोई भी कार्य की मांग नहीं की ग्राम पंचायत के अंतर्गत, और मेरा नाम फर्जी तरीके से एलडीसी और सेक्रेटरी साहब की मिली भगत के चलते हुए चलाया गया, जिसका 1824 रुपये का नगद भुगतान बगैर काम किए मेरे अकाउंट में आया है, जिसकी अकाउंट डिटेल आपको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है साहब, मैंने दूसरी मेस्ट्रोल में भी इन लोगों ने मेरे से संपर्क साधने का प्रयास किया, मैंने कोई दलाली देने की इनसे क्लियर मना कर दी, सच्चाई के साथ रहने का निश्चय किया। इन्होंने अगले मेस्ट्रोल में मेरा नाम आते ही उस पर लाइन खिंचवाई और पूरे नरेगा को मेरे को निकलने दिया। मेरे रोजगार पर जबरदस्ती इन्होंने लाइन खींच करके एलडीसी मैडम वाडा मीणा और सेक्रेटरी साहब सचिव जो कि हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर प्रमोद शर्मा जी, उनके द्वारा मेरे ये फर्जी जॉब कार्ड चलाया गया था और उस मेस्ट्रोल का मुझे पता नहीं था। कि मैंने 3 मिस्टॉल कर चुका हूं और मेरे तीनों मिस्टॉलों के जो अकाउंट नंबर दे रखा था उसके अकाउंट नंबर मेरे में एक पैसा नहीं आया है। और मैं जब ग्राम पंचायत अटल सेवा कमाल प्राप्त जाता हूं, जब वो एलडीसी बैठे हुए हैं वहां भाड़ा सर जी, वो इनके कहूँ जाइयो कि हमें तो ये पैसा डलवा दिया आपके खाते में, पता नहीं खा गया खाने गया, हमें फालतू टाइम नहीं है आपसे मुड़ मारने के लिए। एक दो बार में ग्राम पंचायत समिति को भेज दिया, वहाँ कोई सुनवाई मेरे से नहीं करी। मैंने इनसे कई बोल साहब आप चलो आप सेक्रेटरी साहब से नहीं मिले? सेक्रेटरी साहब से मैं मिला हूँ, यहाँ पंचायत मिलता ही नहीं है अटल सेवा पर यहाँ। और एक बार दो बार मिला तो उन्होंने बिल्कुल फटकार दिया, बोल तेरे पैसे की तू सुनवाई कर, हमें का कोई तेरे पैसे इनके कोई मजदूर थोड़े लग रहे हैं जो तेरे पास हम वहाँ पंचायत समिति जाएँ या कहीं अंत जाएँ, हमें कोई पता नहीं तेरे पास। मैं कमालपुरा का रहने वाला हूँ, मेरा नाम राम बाबू है और सेक्रेटरी साहब ने मेरे पास मेरे जॉब कार्ड में मेरी उम्र 40 साल, पत्नी की उम्र 38 साल और पुत्र की उम्र 35 साल। क्या मेरी पत्नी पुत्र को साथ में लेकर के आई थी कि जो मेरा बंटवारा कर दिया उसका पहले आते ही? पुत्र वधु 30 साल और मैं ग्राम पंचायत कमालपुरा की सरपंच हूँ। तो आपके यहाँ पे शिकायत मिली है कि आपके यहाँ जो ग्राम विकास अधिकारी हैं और एलडीसी हैं उनकी तानाशाही कुछ दबंगाई चल रही है, हाँ, आप इस विषय में आप क्या कहते हो? जो आप मतलब बोल रहे हो सही है, मतलब उनकी दबंगाई चल रही है यहाँ पे, वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, किसी हमारी मेरा यहाँ होना ना होना एक बराबर लगता है ना, मेरे को कोई मानते हैं ना कोई सुनते हैं, अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। तो आपने उच्च अधिकारियों को इनकी शिकायतें दी या फिर अभी नहीं दी? जी हमने उनकी शिकायत की थी पर वहाँ से कोई हमें कुछ संतुष्टि नहीं मिली, मतलब उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। तो यहाँ बताया कि यहाँ नरेगा में काफी इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ जो सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं। हाँ ये सही है, यहाँ पे नरेगा में काफी भ्रष्टाचार चल रहा है, मतलब जिनके नाम आने चाहिए, जो सच में गरीब हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, और सब वो जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से उन्हीं लोगों का नाम ले रहे हैं जो अपने परिजनों का। आप क्या चाहते हैं फिर उच्च अधिकारियों से, सरकार से क्या चाहते हैं आप? इनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं या क्या चाहते हैं आप? हमने
आप सेठ साहब, आपके यहाँ कुछ लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप उनके उन पर एक मनमानी और एक दबंगाई कर रहे हैं, आप इस विषय में क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, गलत काम के लिए तो नहीं करूँगा, सही काम के लिए कभी भी। आप गलत काम किसे कह रहे हो? उन्होंने अपना रोजगार, अभी पट्टे की बात आई थी, पट्टे नहीं, यहाँ नरेगा की बात चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है बैठा, नहीं नरेगा में बता, 6 नंबर फॉर्म भर रहे हैं, 6 नंबर में के साहब ये कुना आयो।